साक्षी हैं डॉक्टर रोहिताश जी से, उनसे हम बात करते हैं। क्या इस बार विधानसभा चुनाव में मानसून की जो भौगोलिक स्थिति को इन्होंने पहले भी देखा था और पहले भी एक मंत्री रह चुके हैं और अब ये दोबारा से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, पहले 3 बार MLA रह चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी कैसी तैयारियां हैं और विरोधियों को कैसे पछाड़ पाएंगे। देखिए मानसून की जो जब मैं शुरू में आया था तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति एक तरह से रेगिस्तान था, रेत के टीले किसी भी गांव में आने जाने के रास्ते नहीं थे। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान अगर मुझे मौका देगा तो करीब 192 गांव और ढाणियां उस वक्त थी यहाँ पे, और मैंने भगवान ने जब मुझे मौका दिया तो मैंने प्रत्येक गांव और ढाणी को एक पंचवर्षीय 93 से 98 में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी में प्रत्येक राज्य की विधानसभा का मैंने रिकॉर्ड बनाया है कि 192 गांव और ढाणियों को एक मुश्त सड़क से जोड़ा और प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर को स्कूल से जोड़ा, पशु चिकित्सालय से जोड़ा, सब सेंटर खोला। और मानसून में बिजली नहीं थी, बिजली घर नहीं था, एक तार के माध्यम से बिजली आती थी, टिमटिमाती चली जाती थी, बिजली नहीं थी। मैं यहाँ 132 का उस जमाने में ग्रिड लेके आए, फिर छोटे छोटे ग्रिड भी कितने बनाए और विद्युतीकरण किया, पूरे क्षेत्र का विद्युतीकरण, जिसका परिणाम है कि यहाँ से रेगिस्तान उठ गया, रेगिस्तान को भगाया और यह समतल धरती हो गई। लोगों ने मेहनत करी, किसानों ने मेहनत करी, आज किसान उस रेगिस्तान में दो तीन फसल पैदा करते, ये मेरे कारण है। आज की स्थिति क्या है मानसून की? आज मानसून में, मानसून अलवर जिले में सबसे पिछड़ा हुआ था, मैं इनको सबसे अगड़ा जिला अगली तहसील बनाने में मैं कामयाब रहा था। अब उसके बाद मैं विधानसभा में मैं वापिस लौट नहीं पाया और एक बार 8/13 तक मुझे फिर मौका मिला तो मैं इस उजड़े हुए चमन को मैंने वापिस सुधार किया, सड़कों का जाल बिछाया, प्रधानमंत्री सड़क योजना से प्रत्येक गांव को जोड़ा और हमने एक बड़ा काम किया यहाँ पे। तो आज जो स्थिति है इस पंचवर्षीय योजना में, जिसमें शकुंतला रावत जी जो है मंत्री है, इन्होंने सिवाय झूठा प्रचार किया, उद्योग मंत्री रहते हुए इनको भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं था, इसलिए इन्होंने उद्योग की घोषणा करी, तो बोर्ड इनका भी लगे, ये क्राइम है, जनता को भ्रमित करके रखा इन्होंने, इनको उद्योग नहीं लगे। इन्होंने अस्पताल खोल दिया, जो का तू अस्पताल है, कोई ना लेबोरेटरी है, ना डॉक्टर है, ना कोई और है, और बल्कि हॉस्पिटल में बैठ के कुर्सी पर बैठ करके प्राइवेट चार्ज और करते हैं, उनसे मरीजों से पैसा लिया जाता है, रद्दी दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती हैं, कमीशन उनमें इनको मिलता है, मतलब जनता को भी लूट रहे हैं। जो संजीवनी स्कीम जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की है उससे सारा भ्रष्टाचार तो डॉक्टर कर रहे हैं संजीवनी। सर मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, आपको बीच में रोकना चाहूंगा। सर लगातार आप इस और भी मीडिया के सामने ये कहते हुए नजर आए कि आपने आरोप लगाया कि बीजेपी का टिकट कहीं ना कहीं बाहुबली पैसेदारी के पक्ष में गया है, क्या यह बात सत्य? बाहुबली तो नहीं कह सकते, पर यह जरूर है कि भ्रष्टाचारियों के पास ये टिकट गया है। भ्रष्टाचार राजस्थान में बहुत सारे भ्रष्टाचारी टिकट लेने में सफल हो गए, उनके पास पैसे की तो कमी थी नहीं, पैसे के हिसाब से, जात बरादरी के हिसाब से टिकट खरीद लिया है और बिक गया। मैंने पहले घोषणा की थी, मैं कोई भगवान का बेटा थोड़ी हूँ, मुझे भी कोई ना कोई सोर्स तो था ही, तो मुझे पता था। मैंने हमारे मित्र महेंद्र यादव को भी कहा था, भाई तू क्यों भागे डोलता है, मैं क्यों भागे डोलू, मेरा तो वसुंधरा के कारण कटेगा टिकट, कि वसुंधरा की चलेगी नहीं और तेरा पैसे का कारण कटेगा, ये तो पैसे में गया, टिकट तो गया, जो भी लाए पैसा खूब लगा। अब ये कह रहे हो कि वसुंधरा की चलेगी, क्या आज वसुंधरा की नहीं चली क्या टिकट वितरण में? मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वसुंधरा जैसी लीडर को जिसमें 150 से ऊपर भाजपा की सीट आने की संभावना थी, वो जन जन की नेता है, किसान मजदूर
सारी जनता के नेता है वो, ऐसी नेता को आपने माइनस करके पटक दिया। अब जो भी कितनी जीतेंगे कितनी नहीं, वसुंधरा कितनी चली कितनी नहीं, लेकिन एक बात तो जरूर कर दी ना, उनको फेस नहीं बनाया गया, ये उनकी बहुत भारी इंसल्ट है, पब्लिक इसको इंसल्ट मानती है। मीडिया में ये भी चल रहा है कि सबसे ज्यादा बीजेपी ने वसुंधरा के कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया गया है, ये झूठ है। वसुंधरा का पूरा प्रदेश ही कार्यकर्ता है, ऐसा कौन आदमी जो वसुंधरा का नहीं था, चलते का नाम गाड़ी है। देखो कुछ अवसरवादी लोगों ने एक दल बना करके और गलत प्रचार किया, हाईकमांड को उन्होंने झूठी खबरें पहुंचाई कि बिना वसुंधरा के राज आ सकता है। या तो जो भी आदमी है बीजेपी में सब वसुंधरा जिंदाबाद बोलते थे, जो उनको पैरों में धोखा खाते थे, आज उन लोगों ने आगे बढ़ करके उनकी मुखालफत की। सर इस विधानसभा चुनाव में आपको क्षेत्र में कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों में उत्साह भी है कहीं ना कहीं, हो सकता है इस बार आपको लोग भरोसा दे रहे हैं, तो आपको क्षेत्र में कैसा माहौल देखने को मिल? भरोसा नहीं, मुझे इस बात का भरोसा है कि मुझे बानसूर की जनता अपना बेटा मानती है, मैं उनकी पैदाइश निश्चित तौर पर, माँ बाप ने पैदा जरूर किया पर राजनीतिक रूप से मुझे बानसूर की जनता ने पैदा किया। कांग्रेस से भी हारा हूँ, बीजेपी से भी हारा हूँ, बानसूर की जनता के टिकट पर मैं जीता हूँ। आज भी मुझे बानसूर की जनता अपने लाडले मरने नहीं देगी, और मैंने भी हमेशा बानसूर का नाम ऊपर किया है, घटाया नहीं, ना मैंने कभी एक पैसा खाया ना खाने दिया, भ्रष्टाचार नहीं पनपने दिया, गुंडागर्दी नहीं पनपने दी, और डेवलपमेंट मैंने बहुत किया। बानसूर के युवा बुजुर्ग सबको सब का मुझ पर आशीर्वाद। तो ये थे पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताज शर्मा जो आसपा पार्टी से प्रत्याशी मानसूर से कैमरा पर्सन बनने के साथ, मैं योगेश शर्मा, हिंदुस्तान न्यूज़ के लिए।